मैं दावे के साथ कह सकता हूं इन सब के बिहाफ पे भारत यात्रियों के कि ये षड्यंत्र रचा जा रहा है। षड्यंत्र ना केवल यात्रा को रोकने का है जो बार बार सुनाई देता है, कभी कोविड के नाम से आप बहानेबाजी कर लेते हो। कल हमने देखा, परसों लोकसभा के स्पीकर अस्पताल में जाकर कंबल बांट रहे थे, कोई मास्क नहीं पहना हुआ था, राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल में। तो नियम सिर्फ भारत जोड़ो यात्रा पर लागू होंगे और नियम घोषित नहीं होंगे, सिर्फ बदनाम किया जाएगा भारत जोड़ो यात्रा को। तो न केवल रोकने का षड्यंत्र है, भारत जोड़ो यात्रा को बदनाम करने का षड्यंत्र है। और जोड़ने के इस यज्ञ को कौन रोकना चाहेगा? जाहिर सी बात है वो रोकना चाहेगा जो तोड़ना चाहता है भारत को। तो सबके चेहरे सबके सामने आ रहे हैं, कौन जोड़ना चाह रहा है और वो जोड़ने के लिए क्या क्या कर रहा है। 108 दिन लगातार चल रहे हैं और तोड़ने वाले अपनी पुलिस के माध्यम से, अपनी दोस्ताना मीडिया के माध्यम से, अलग अलग माध्यम से इस यात्रा में खलल डालने की कोशिश की जा रही है। हम ये पत्र तो आपको भेज ही रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ एक चेतावनी भी दे रहे हैं भारतीय जनता पार्टी को भी, उनके सहयोगियों को भी। बाज आएं, राक्षसों वाला काम मत करें, यज्ञ में खलल मत डालें।